भारत की दूसरी न्यूक्लियर सबमरीन अरिघात बनकर तैयार है। इसे 29 अगस्त को भारतीय नेवी को सौंपा जा सकता है। अरिघात को साल 2017 में लॉन्च किया गया था। इसी बात से टेस्टिंग जारी रही। अब इसे कमीशन किया जा रहा है। अरिघात INS अरिहंत का ही अपग्रेड वर्जन है। इसे विशाखापट्टनम में भारतीय नौसेना के शिप बिल्डिंग सेंटर SBC में बनाया गया था। इसका वजन 6000 टन है और यह 750 किलोमीटर की रेंज वाली के 15 मिसाइलों से लैस है। साथ ही अरिघात INS अरिहंत की तरह समुद्र के अंदर मिसाइल अटैक करने में भी सक्षम है, जिसके कारण भारत भी न्यूक्लियर ट्रायड देशों की लिस्ट में शामिल है। इस लिस्ट में दुनिया के मात्र 6 देश ही हैं। 1990 में भारत सरकार ने ATV यानी एडवांस टेक्नोलॉजी वेसल प्रोग्राम शुरू किया था। इसके तहत ही इन पनडुब्बियों का निर्माण शुरू हुआ था। भारतीय नौसेना अब तक 3 न्यूक्लियर सबमरीन तैयार कर चुकी है, जिसमें से एक अरिहंत कमीशन है, दूसरी अरिघात मिलने वाली है और तीसरी S3 पर टेस्टिंग जारी है। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट,